हाय वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टेशनरी हॉल पार्ट टू. आई थिंक पार्ट टू एक साल बाद आ रहा है शायद से. एंड दिस टाइम एवरीथिंग इज फ्रॉम अमेजोन, सो यू विल बी एबल टू शॉप फॉर वॉट एवर आई शो ऑन द वीडियो प्रोवाइडेड इट्स स्टिल इन स्टॉक. आई मीन फैमिली नोज दैट इफ यू वॉन्ट टू बी एबल टू शॉप फॉर वॉट वी शो इन द वीडियोज यू गॉट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल बटन सो दैट यू वुड वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू वॉच व्हेन एवरीथिंग इज स्टिल इन स्टॉक. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी लॉन्ग इंट्रोस, जस्ट लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस वेरी प्रिटी पाउच. यूनिकॉर्न वाला सब बहुत महंगा आता है तो डू एक्सपेक्ट दिस हॉल टू बी एक्सपेंसिव, बट ये पाउच इतना क्यूट है दैट यू वॉन्ट फील लाइक इट्स किडिश एट ऑल. इसको इजिली मेकअप ब्रशेज स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. द गुड पार्ट इज दैट इट्स प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स. दिस वन गेट्स अ 4 out of 5. You know, even though you've not asked me to rate these things, I feel good in rating because मुझे वो India's Got Talent वाले judge वाली feel आती है कि हाँ हम rate करेंगे. Talking about rating, the next thing that I have is this whole set, and boy was I disappointed without even opening it. I'll just get my scissors ready. So before I open, I'll show you what I'm upset with. Stickers that are part of this set, like look at this corner. यहाँ पे जो स्टिकर्स होने हैं वो उसका कवर गिर के यहाँ पे आ चुका है. एंड आई एम लाइक ये स्टिकर्स ऑलरेडी इतने पुराने हो चुके हैं कि इसमें से ग्लू निकल गया. आई पर्सनली डोंट लाइक टॉकिंग बैड अबाउट एनी ब्रांड और एनी हार्ड वर्किंग पर्सन फॉर दैट मैटर, बिकॉज उनका खून पसीना होता है उस ब्रांड को चलाने में. बट एट द सेम टाइम आई हैव टू गिव यू द ट्रूथ. बिगेस्ट थिंग आई सी इज दिस नोटबुक. ओ गॉड, नोटबुक भी चिपक गया ये टेप से यहाँ पे, तो ये फट, ओ गॉड ये फट रहा है. लुक एट दिस, नोटबुक के अंदर क्या है. आई एम गॉर्जियस, माई लव्ड वंस कॉल मी. ओके, इज इट लाइक अ स्टोरी बुक. ओ ओ, दिस इज अ स्टोरी बुक. ऐसे हर एक पेज पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब आई लाइक द कॉन्सेप्ट. पर्सनली आई वुड हैव वांटेड बेटर क्वालिटी फॉर द प्राइस दैट आई पेड. आई कांट वेट टू लॉन्च आवर ओन स्टेशनरी. माइट बी हैपनिंग वेरी सून, मे बी. लाइक ड्रॉप एवरी सिंगल थिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टेशनरी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोस्ट ऑफ इट. ओके, सो आई थिंक इसका पूरा कॉन्सेप्ट इज डेकोरेटिंग द स्टोरी बुक. आई फील लाइक दैट्स वाई वी हैव दीज पेंसिल कलर्स. ठीक है, पेंसिल कलर्स एकदम स्मूथ नहीं है. कमिंग टू द स्टिकर्स, सो क्यूट सो क्यूट. आई जस्ट होप कि ये यूजेबल. अरे यार, सबका ग्लू खराब है, अपने आप ही निकल गए ये. वी शैल टेक द यूनिकॉर्न वाला स्टैम्प ओनली. प्रिटी, that's cute. So if everything was okay with this, like if the stickers were barabar and if you could just add like a sharpener in this set, it would be a good gifting item. I think this particular kit right now gets 2 out of 5 stars because this condition is not functional, but if everything is in good condition I would give this 4 out of 5. Next thing we have is this diary. It's so fluffy, like it's very very fluffy. एंड इसके ऊपर भी ये जो प्रिंट है काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है. दिस एम्ब्रॉयडरी ऑल्सो हेयर एंड अंदर से दिस लाइन्स वाले पेजेस. आई थिंक आई वॉन्ट टू गिव दिस अ 5 out of 5. अबाउट द प्राइसिंग नॉट सो श्योर, बट द प्रोडक्ट इज क्वाइट नाइस. द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज अ फुल ऑन सेट ऑफ यूनिकॉर्न पेन्स. यू हैव 4 colors इन दिस, पिंक ब्लू पर्पल एंड वाइट. 4 good pastel colors. ओ ओ, स्टार्ट अच्छा था फिर थोड़ा रुक गया पेन. हाँ अब आया, अब आया, यस वापस रुक गया. आई थिंक इट्स प्रॉब्ली बिकॉज आई एम होल्डिंग इट ऐसे तो इंक पीछे जा रहा है. ऐसे अगर लिखूँ तो हाँ ऐसे सही हो रहा है, ऐसे नहीं रुक रहा है. बट इट्स स्मूथ एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू ओपन इट टू चेक कि रिफिलेबल है कि नहीं, बट या इट्स रिफिलेबल. व्हाई डिड दिस कम आउट, बट अंदर अच्छे से बैठ जाइए आप. दिस प्रोडक्ट आई वांट टू गिव, आई वॉन्ट टू गिव दिस 5 out of 5 ओनली. अच्छा है, मेरे को कोई कंप्लेन्स तो है नहीं इससे, तो किस बात के मार्क्स काटे यार. बट टॉकिंग अबाउट कंप्लेन्स, वी हैव अनदर सेट. तो आई डोंट नो इफ दिस सेट इज गोइंग टू बी गुड इनफ. इट डज लुक लाइक इट्स इन गुड कंडीशन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पुराना माल दे दिया है. hey, स्केल, ओ ओ, थोड़ा ज्यादा ही, बहुत ज्यादा पतला है. दिस कैन बी टर्म्ड एज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी टर्म्ड एज फ्लिम्सी एज वेल. मोटे स्केल्स, जाड़े स्केल्स बड़े अच्छे लगते हैं. 2 pencils, इसमें इरेजर नहीं था क्या? मेरे को
दूर से लगा इसमें इरेजर है। ओह वॉलेट, अरे यार ऐसे वॉलेट टच करके लिटरली आई एम टेकन बैक टू व्हेन आई वाज अ बेबी, तभी ऐसे ही वॉलेट्स चलते थे। दिस इज सो क्यूट, यू वोंट बिलीव वी यूज्ड टू एक्चुअली यूज ऐसे वॉलेट्स जब हम स्कूल में थे। अभी तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी पूमा वूमा के लेदर वॉलेट्स होता है, बट हम ऐसे ही पोकेमॉन के वॉलेट्स, पोकेमॉन के तो इतने वॉलेट्स यूज किए ना मैंने, मैं क्या बताऊँ। वी गेट अ शार्पनर एंड एन इरेजर, क्वाइट शार्प, वी लव दैट। ओ जो कचरा मैं ये रूम में कर रही हूँ ना, मेरे को घर से बाहर निकालेंगे तो मैं भी सरप्राइज नहीं होंगी। नहीं यार ये पेंसिल इतनी मेरे को स्मूथ नहीं लगी, आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच प्रोबेबली। नहीं इरेजर डज नॉट वर्क, ठीक है आई गिव दिस किट 2.5, नहीं यार थोड़ा 2.5 विल बी टू टू क्रूअल, 3 out of 5। नेक्स्ट थिंग आई हैव टू शो यू इज दिस एग्जाम पैड विच हैज अ गैलेक्सी थीम एज वेल एज अ यूनिकॉर्न थीम। सो दिस इज नॉट द क्यूट वाला यूनिकॉर्न, लाइक दिस यूनिकॉर्न प्रिंट, ये वाला फॉर मी इज क्यूटर, दिस इज लाइक अ मोर एडल्ट यूनिकॉर्न, सो आई लाइक द बेबी यूनिकॉर्न्स मोर, बट इट्स ओके क्वालिटी, लाइक पीछे थोड़ा बहुत ऐसा प्रिंट का दाग है एंड इट्स नॉट द स्मूथेस्ट फ्रॉम बिहाइंड, बट इट विल डू द जॉब। इफ यू फाइंड लाइक बेटर डिजाइन इन एग्जाम पैड्स तो मुझे नीचे लिंक दे देना, बिकॉज आई एम लुकिंग टू बाय अ क्यूट वन। दिस वन आई गिव 4 out of 5। प्रिंट तो आई नो व्हाट आई वाज बाइंग बिफोर, तो आई कांट कट द मार्क्स फॉर प्रिंट, आई एम कटिंग 1 point फॉर द बिहाइंड यार। थोड़ा और स्मूथ है, कुछ तो लैमिनेट करके दे सकते थे बिकॉज दिस इज इंट वेरी स्मूथ, लाइक अगर ऐसे पकड़ना हो तो मुझे कुछ बोला वो चॉक बोर्ड के अगेंस्ट नाखून जिससे तो कैसा अ वाला फीलिंग आता है, वैसा वाला फीलिंग आता है इससे, तो बाकी 4 इज गुड फॉर दिस। एंड द लास्ट आइटम, द शो स्टॉपर ऑफ दिस वीडियो इज दिस फोल्डर, बट देयर्स अ कंप्लेंट दैट आई हैव, मे बी आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, बट सिंस द पास्ट 30 minutes बिफोर शूटिंग दिस वीडियो आई हैव बीन ट्राइंग to close this folder but it isn't closing only. Finally I figured out what I was doing wrong. You can carry it like this also. It's so cute man. Bahut cute hai ye. There's one problem with this that I cannot fix. I am so pissed. Why is no stationery from there? Why? This is another reason why I can't wait to launch our own stationery, because bro, it's gonna be made in India. Even if this wasn't happening, I would have preferred to make in India only. So yes, please help me out with what you want me to come out with. But there's no point in talking about this anymore. But this was our unicorn stationery haul. I hope you enjoyed watching this. We're going to do a pastel stationery haul also very very soon. So please do subscribe if you want to watch that. But if you enjoyed watching this video, give it a thumbs up. If you did not enjoy watching this video, bindas give it a thumbs down, because I just want your honest opinion. I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.